नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तोगड़ा इंडियन ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे आज कृष्ण गोपाल खालेड़ा आयुर्वेदिक भवन धर्महा ट्रस्ट, यानी जो कृष्ण गोपाल खालेड़ा में जो आयुर्वेदिक धर्महा ट्रस्ट भवन जो औषधालय हैं वहाँ लेके चलते हैं हम आपको और दिखाते हैं पूरा सीन। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्राचीन औषधालय दोस्तों, ये 1930 में बना हुआ औषधालय है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कृष्ण गोपाल खालेड़ा औषधालय आ चुका है। यहाँ पर रोगी वगैरह देखे जाते हैं, अस्पताल है ये। यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है दोस्तों, धर्महा ट्रस्ट है, बिल्कुल एक रुपया भी नहीं लगता यहाँ पर दवाई का। जो भी आता है उसको फ्री दवाई मिलती है दोस्तों। और आगे दिखाऊँगा मैं आपको जहाँ पर शास्त्रीय विधि से औषधियाँ बनाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती है, वो दिखाऊँगा मैं आपको। अंदर चल के पूरा सीन दिखाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा सीन अंदर का कैसे बनाई जाती है। चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं और आपको सीन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पैकिंग का काम चल रहा है, चूर्ण पैकिंग हो रहा है। यहाँ पर ये मशीन है जिसे लेबल वगैरह लगाया जाता है। ये देखिए दोस्त, वही प्राचीन मशीन है दोस्तों, बहुत पुरानी मशीन है। ये देखिए दोस्तों, 100 साल पुरानी मशीन है दोस्तों। लेबल लगाया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए, सारा काम शास्त्रीय विधि से होता है दोस्तों। पुराने टाइम से के टाइम में जो कार्य होता था ना, उसी प्रकार से हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत प्राचीन मशीन है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, पुरानी विधि से दवाई वगैरह बनाई जाती है दोस्तों। आज भी वही पुरानी विधि है, उसी दवाई बनाई जाती है, 100 साल पुरानी विधि से। भट्टी बॉयलर सेक्शन देखिए अंदर, ये देखिए भट्टियाँ वगैरह लगी हुई है पूरी। ये देखिए दोस्तों, पूरा भट्टियों से भरा हुआ है ये सवाल इसमें। ये देखिए चमनप्राश इसमें भरा जाता है दोस्तों। ये जो डिब्बे रखे हुए हैं ना सामने, उसमें मशीन है वो जो बहुत प्राचीन।